लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेल की उस मुलाकात ने मेरे दिल के अंदर एक घुटन सी पैदा कर दी, लेकिन आंसू बहाने के सिवाय मैं और करता भी क्या। एक दिन सकिया का खत आया। गुजारिश अहवाल यह है कि मैं तुमको मुंह दिखलाने के लायक नहीं रह गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं बेसहारा हो गई थी ना, तो जो निगाह पड़ती, मेली पड़ती, जो आवाज आती, गंदी आती, और कल रात तो मैं लुट गई नीलू के अप्पा। आपर के सिवा तो मेरे पास कुछ था नहीं। वो चार आदमी थे, मैं बहुत लड़ी, बहुत चीखी। मैं कल रात से ही सोच रही थी कि मैली कुचेली ताकदार जिंदगी तो जीने के लायक नहीं, पर नीलू का क्या होगा? बाप जेल में है, माँ खुद खुशी करने जा रही है, वो अकेली रह जाएगी ना, अकेली पढ़ेगी कैसे? पढ़ भी गई तो क्या बनेगी? जेब कतरी, चोरनी, तवाफ? मैं अल्लाह तो हूं नहीं कि जिंदगी देकर भूल जाऊं, मैं तो मां हूं ना। उसके लिए हमने ये सपने तो नहीं देखे थे ना, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उसका मर जाना ही ठीक है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूं। अल्लाह मुझे माफ करे, तुम्हारी कनीज सखिया। मेरी जकिया ने बिल्कुल ठीक किया, ठीक किया मेरी जकिया ने। अंधे कानून की जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें एक शरीफ मां और कर भी क्या सकती थी। और इसी तरह मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं जेल से निकलना नहीं चाहती। क्यों निकलता? किसके लिए निकलता? लेकिन 10 साल के बाद गांधी शत जयंती के दिन मुझे रिहा कर दिया गया। इतनी बड़ी दुनिया में बिना किसी दोस्त, बिना किसी सपने के मैं अकेला रह गया। एक आवारा हवा के झोंके की तरह, कभी यहां कभी वहां। फिर एक दिन मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि समाज कल्याण कार्यों में मुझे आपका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मैं कोई सरकारी या गैर सरकारी नेता नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं, आप भाइयों, बहनों और माताओं का। मुझे बापू के पवित्र नाम को बेचने का कोई शौक नहीं है, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि अगर कोई इस देश में आज बापू के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा है तो वो मैं हूं। और व्हाट हैपेंड टू यू? क्या हुआ? शायद दिल का दौरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मीटिंग जारी रखो। हाँ। मैं जाता हूं। अच्छा अच्छा
भाइयों और बहनों, नेताजी अचानक अस्वस्थ हो गए। आप पहचाना मुझे योर ऑनर, मैं वही जानिसार हूं जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कत्ल के जुर्म में 20 साल कैद सख्त की सजा दी थी। आज मैंने इस शैतान का कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया है क्योंकि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। हां, आज मैंने दुनिया के इस बदतरीन इंसान का कत्ल किया है क्योंकि आपके कानून के पास वो आंख ही नहीं है जो इसका जुर्म देख सके। हां, मैंने इसका कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया है कि यह मेरी बीवी जकिया और मेरी बेटी नीलो की मौत का जिम्मेदार था। हां, मैंने इसका कत्ल किया, और इसलिए कत्ल किया ताकि मैं अपने बेगुनाह चेहरे पर इसका गुनहगार खून मलकर अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने सुरखरू हो सकूं। मेरी बेटी, पता है वो कैसे मरी? उसकी मां ने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया क्योंकि जकिया ये नहीं चाहती थी कि लावारिसी के अंधेरे में पलकर उसकी बेटी एक तवायफ, एक वेश्या बनकर रह जाए। ये देखिए, ये मेरी बीवी और मेरी बेटी, इन्हें देख करके आपको ऐसे लगता है कि अल्लाह ने मेरी बेटी के नाम पर ऐसी बात लिखी थी क्या? क्या मेरी बीवी के नसीब में अल्लाह ने यह लिखा था कि वो अपनी फूल सी बच्ची को कत्ल करके खुदकुशी कर लेगी? ये गुप्ता उन दोनों का कातिल है योर ऑनर, और उनके खून से आप और आपके कानून का हाथ भी भरा हुआ है। लेकिन आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते योर ऑनर, क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता।
मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटे, मेरी जकिया की आबरू लौटाइए योर ऑनर, मेरी नीलों को कब्ज से निकालकर मेरी गोद में लाइए योर ऑनर, नहीं तो कानून और इंसाफ के इस नाटक को बंद कीजिए, बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल, जला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी, तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। बोलिए, कर सकते हैं आप ऐसा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बोलिए जवाब दीजिए।